नमस्कार दोस्तों, दीप गार्डनिंग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि फरवरी और मार्च में हम कौन से प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। जो प्लांट मेरे पास हैं उनके बताऊंगी कि कौन कौन से प्लांट की कटिंग जल्दी लगती है और छोटी से छोटी कटिंग भी उसकी लग जाती है। ये देखो फ्रेंड्स, ये मेरे पास है कोलियस। इसकी आप ऊपर की छोटी सी कटिंग काट के लगाओगे तो वो भी लग जाएगी। ये दो कलर है मेरे पास कोलियस के, एक ये वाला है और एक ये वाला है। देखो मैंने कटिंग ऐसे काट काट के ये मैंने लगा रखी है इसमें गमले में। और ये है जी सॉन्ग ऑफ इंडिया, इसकी भी आप ऊपर से यहाँ से काट के और मिट्टी में डाल दोगे तो अच्छे से लग जाएगी कटिंग इसकी। ये देखो जी, मैंने गुलाब की कटिंग लगाई थी, एक महीना हो गया इसको, तो इसमें भी अभी रूट पता नहीं बनी है कि नहीं बनी है, लेकिन ऊपर पत्ती आ चुकी है इसमें। ये देखो दो कटिंग लगाई थी, दोनों की दोनों में पत्ती आ रखी है। और ये है जी मेरा सिंगोनियम रेड वाला, इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हो और साइड से इसके बेबी प्लांट्स निकलते हैं उनको भी निकाल के एक दूसरे पॉट में लगाओगे तो लग जाएगा। और ये जी मैंने लगा रखी है रात की रानी की कटिंग, रात की रानी की भी कटिंग अभी लगती हैं और अच्छे से चल जाती हैं। फिर अभी अब देखना मेरे पास है ये जी पीस लिली, पीस लिली की भी आप साइड से पप्स निकाल के और लगाओगे तो बहुत अच्छे से लग जाते हैं। ये देखो अभी मैंने इनको डिवाइड नहीं किया है, डिवाइड करूँगी तब मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगी। और इनको बहुत सारे हो रखे हैं इसमें, ये गमले में देखो तो बहुत सारे हो रखे हैं, इनको मैं डिवाइड करूँगी। और फिर है जी मेरा ये स्टार लाइट फाइकस, इसकी भी आप कटिंग अभी लगा सकते हो, अभी लग जाएगी इसकी कटिंग, क्योंकि अभी मौसम ऐसा ही होता है ना कि इसमें कोई भी कटिंग लगाओ तो बहुत अच्छे से लग जाती है। और ये है जी मेरा ड्रेसिना, इसका नाम तो है ड्रेसिना की वैरायटी लेकिन नाम मेरे को पता नहीं है। और इसकी भी अगर आप अभी कटिंग लगाते हो तो अभी बहुत अच्छे से लग जाती हैं। और एक है जी मेरे पास ड्रेसिना का ही ये दूसरा प्लांट, इसकी भी लग जाती है कटिंग, ये देखो। और फिर है जी मेरा ये क्रोटोन, क्रोटोन की भी अभी कटिंग लगाओगी तो बहुत अच्छे से चल जाती है, ये देखो। ये है जी रबड़ प्लांट, रबड़ प्लांट की भी अभी कटिंग, आपके पास बड़ा प्लांट है तो उसकी कटिंग लगा सकते हो और बहुत अच्छे से चल जाती है। अभी मेरे पास तो छोटा प्लांट है इसकी, इसलिए कटिंग नहीं लगा सकते, ये प्लांट ही छोटा है। और इसमें देखो जी मैंने लगा रखा है इसका, एक कटिंग लगा रखी है। ये देखिए फ्रेंड्स, रबड़ प्लांट में ही मैंने साइड में फाइलोडेंड्रम की एक वैरायटी है, छोटे पत्ते हैं इसके, ज़्यादा बड़े तो नहीं है, उसकी कटिंग लगा रखी है मैंने यहाँ पे। तो ये भी फरवरी और मार्च में आप लगा सकते हो। ये है जी आपका मेरा स्नेक प्लांट, इसकी भी हम साइड से पप्स निकालते हैं उसको भी हम लगा सकते हैं। और इसकी इतनी सी पत्ती डाल तोड़ के और आप मिट्टी में डाल दोगे तो 15-20 दिन में उसमें जड़ें आ जाएंगी और आप कटिंग से लगा सकते हो इसको। और ये है जी मेरा सफलेरा का प्लांट, सफलेरा का भी हम कटिंग से लगा सकते हैं। अभी तो मेरा छोटा है इसलिए मैं इसको नहीं लगाऊंगी अगली बार, अगली बार देखते हैं। और ये है जी एग्नोलिमा, एग्नोलिमा की भी साइड से पप्स वगैरह निकलते हैं और वो भी आप लगा सकते हो। और यहाँ से अगर आप काट के दोबारा कटिंग लगाते हो तो ये भी लग जाती है। एक एग्नोलिमा की ये वैरायटी है मेरे पास और एक ये वाली है, तो इनकी भी कटिंग लगा सकते हैं। और ये है जी मेरा
क्रासुला ओवाटा, इसकी भी कटिंग बहुत अच्छे से लग जाती है। इसकी भी मैंने, ये पत्ती से भी लग जाता है, इतना आसान होता है इसको लगाना। और ये देखो जी, मैंने इसकी कटिंग, बहुत सारी कटिंग लगा रखी है छोटी छोटी, और पत्ते भी डाल रखे हैं। तो ऐसे पत्ते भी आप मिट्टी में डाल दोगे तो वो भी बहुत अच्छे से प्लांट बन जाते हैं, तो इसलिए आप इसको भी ऐड कर सकते हो। ये है जी मेरा रबड़ प्लांट दूसरा, जो देसी वैरायटी बोलते हैं उसको, तो ये भी लग जाता है। और ये है जी, अभी इनके पत्ते निकल चुके हैं सर्दी की वजह से। ये है मेरा नागदुन का पौधा, तो इसकी भी कटिंग अभी आप लगाओगे तो लग जाएगा। और ये है मेरा जीजी प्लांट। जीजी प्लांट की भी अगर आप साइड से पप्स निकाल के और वो भी लगाओगे, या फिर आप ऊपर से ये भी एक पत्ती काट के लगाओगे, तो उसकी भी कटिंग लग जाएगी। तो ये भी कटिंग से बहुत अच्छी तरह लगता है, तो इसको भी आप लगा सकते हो। ये है जी मेरा डेविल बैकबोन। एक तो ये ग्रीन कलर का है और एक वेरीगेटेड पत्ती है वो है, तो उसको, इसको भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हो। और ये है मेरा एस्पेरेगस। एस्पेरेगस को भी आप अभी डिवाइड कर सकते हो इसको, इसको बहुत आसान है डिवाइड करना। और ये है मेरा रेन लिली, जो अभी रिपोर्ट करूँगी। इसमें भी देखो बहुत सारे साइड से पप्स वगैरह निकलते हैं, तो इसको भी डिवाइड करके आप बहुत सारे प्लांट इससे बना सकते हो। मेरे पास सिर्फ दो ही प्लांट थे इनके, और दो प्लांट से देखो मेरे पास इतने सारे प्लांट हो गए हैं इनके, तो इसको भी आप बहुत अच्छे से, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती इसमें, अच्छे से ये प्लांट चलता है। और फिर आपको दिखा, ये है जी मेरा रियो का प्लांट। रियो का प्लांट है, इसकी भी आप छोटी से छोटी कटिंग लगाओगे ना तो वो भी लग जाएगी, और इसके साइड से पप्स भी निकलते हैं, तो आप पप्स भी निकाल के और उसको लगाओगे तो वो भी लग जाएगा। एक ही पौधे से बहुत सारे, ढेर सारे पौधे हो जाते हैं इससे। ये देखो मैं एक पौधा लेके आई थी, उसी में से पप्स वगैरह निकाल के, और इतने सारे, एक दो ही ये पूरा भरा है, और एक ये देखो, और मैंने बहुत सारे तो यहाँ इधर उधर दे दिए, और ऐसे बहुत सारे हो जाते हैं। ये है मेरा एलोवेरा, दूसरी वैरायटी है। इसको भी आप कटिंग से, या फिर देखो साइड से ऐसे पप्स निकलते हैं, ऐसे जड़ों में से भी पप्स निकलते हैं इसमें। जड़ों में देखो, ये जड़ों में भी निकल रखे हैं पप्स, और साइड से ऐसे देखो टहनी से भी ऐसे साइड से निकल रहे हैं। और इसको भी अगर आप कटिंग से लगाओगे तो बहुत अच्छे से लग जाएगा। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा हो रहा है, ट्रेन आ रही है इसलिए। और ये है मेरा सुदर्शन का प्लांट, इसकी मैंने पत्तियाँ काट दी हैं, और इसके भी नीचे से बहुत सारे पप्स निकलते हैं, लेकिन मैं निकलने नहीं देती इसमें, क्योंकि उसमें ज़्यादा फिर बड़ा गमला चाहिए, इसलिए मैंने साइड से नहीं निकलने देती। ये देखो फ्रेंड, मैं निकलने नहीं देती हूँ इसमें साइड से, और नहीं जो निकलता है ना उसको निकाल देती हूँ, इसलिए मेरे जो पॉट है उसमें एक ही प्लांट है ये, तो इसके भी साइड से पप्स निकलते हैं, उससे आप बहुत सारे पौधे कर सकते हो। और ये है इसमें पर्पल टर्टल वाइन, और टर्टल वाइन को भी आप छोटी से छोटी, बिल्कुल छोटी सी, इतनी सी कटिंग लगाओगे वो भी आपकी चल जाएगी। और मैंने ऐसे ही बड़ी हो गई थी ना, तो उसको निकाल के उसमें से, और मैंने ऐसे ही इसमें डाल दी थी, और अभी देखो 5-6 दिन में ही ये इसमें जड़ें आ जाती हैं, और जहाँ पे भी डालोगे ना वहीं पे ये लग जाती हैं। ये है मेरा जीन का, विंग का भी आप कटिंग से लगाओगे तो लग जाएगा, बीज से भी लगता है ये, कटिंग से भी लगता है। और ये है जी मेरा मैक्सिकन पिटोनिया, मैक्सिकन पिटोनिया को भी आप कटिंग से लगा सकते हो। ये देखो मैंने इसको कटिंग से ही लगा रखा है, और बहुत अच्छे से चल रहा है ये, अभी 4-5 दिन हुए हैं लगाए हुए इसको।
तो इसका 5-10 दिन में इसकी कटिंग लगा, इसकी जड़ें आ जाएंगी। और मैंने इसको कोकोपीट और जो रेती होती है ना उसमें लगा रखा है, तो आप भी कोशिश करना, आप इसको थोड़ी सी रेती में लगाओगे ना तो इसमें जल्दी रूट आती हैं। और एक सनेक प्लांट ये है, इसकी भी आप डिवाइड करके लगा सकते हो। जैसे नीचे ये देखो, आपको दिखाती हूँ, ये जैसे टॉप्स निकले हैं ना, ये देखो जैसे ये पप्स निकल रहे हैं, तो ऐसे पप्स निकलते हैं। और इसको भी आप अभी डिवाइड कर सकते हो। एक ये है जी, जो जेड प्लांट होता है वो है, तो जेड प्लांट की भी कटिंग आप अभी लगा सकते हो। बिल्कुल छोटे से छोटी कटिंग लगाओगे वो भी लग जाएगी। और ये है मेरा कलंचो, ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया हुआ है, एक पौधे में से डिवाइड करके उसी में से लगाया हुआ है। और ये है गुलदाउदी, अभी सर्दियों में फूल आए थे बहुत सारे, और उसके बाद उसमें नीचे पप्स निकलते हैं, तो उनको डिवाइड करके मैंने ये लगा रखे हैं। ये देखो मैंने बहुत सारे कलंचों की छोटी छोटी कटिंग लगा रखी है, तो सारी कटिंग अभी लग जाती हैं। और ये देखो दोस्तों, जो मैंने एस्पेरेगस था मेरे पास बहुत सारा बीज से लगाया हुआ था, मैंने उनको डिवाइड करके और ऐसे रखा हुआ है, क्योंकि जो नर्सरी वाले भैया है ना उनको दे दूंगी मैं इनको। ये है जी इसका मोगरा का प्लांट, इसकी भी कटिंग अभी बहुत अच्छे से चलेगी, और इसको भी आप अभी ऐड कर सकते हो। ये है मेरा गुड़हल का, और गुड़हल की कटिंग भी अभी बहुत अच्छे से चलती है। ये रेड वाला है और ये वाइट वाला गुड़हल है, तो इसकी भी मैंने कटिंग बहुत सारी कटिंग लगा रखी है, तो अभी इसकी कटिंग लगाओगे तो बहुत अच्छे से चल जाती है। और ये है मेरा थुजा का प्लांट, थुजा का प्लांट भी अभी अगर आप कटिंग लगाओगे अभी इसकी, तो इसकी कटिंग बहुत अच्छे से चलती है, तो अभी इसकी कटिंग लग जाएगी। और एक चीज़ आपको मैं और दिखा रही हूँ, ये है मेरा जो कुंदरू की बेल होती है ना वो, तो ये मैंने बिल्कुल छोटी सी कटिंग से लगाई थी, तो ये बहुत अच्छे से कटिंग से चल जाती है, तो इसको भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हो। छोटी से छोटी अगर आपको कटिंग मिल जाती है इसकी, तो छोटी सी कटिंग भी इसकी लग जाती है अभी। और ये है मेरा ड्रेसिना का प्लांट, ये वाला, तो ये भी अभी कटिंग से लगाओगे, यहाँ से तोड़ के लगाओगे, या फिर नीचे से पप्स निकलते हैं इसके, तो पप्स भी अगर आप डिवाइड करके लगाओगे तो लग जाएगा, और कटिंग भी अगर आप यहाँ से तोड़ के, और फिर साइड में भी इसके बहुत घना भी हो जाता है ये, जैसे तोड़ के आप लगाओगे तो एक, ये तो अभी एक डाली है, और उसमें साइड से दो दो वो लगेंगे, निकलेंगे दो दो डाली, तीन तीन डाली निकलती हैं। तो ये देखो मैंने कटिंग से लगाया था, पहले कट किया था इसको, इसमें देखो आपको दिखाती हूँ मैं, तीन ऐसे बने हुए हैं, एक ये बनी है, एक ये है, और एक ये छोटा सा और निकल रहा है, तो इसको भी कटिंग से ये भी तीन बन जाते हैं, और कटिंग करो तो एक वो हो जाता है, तो ऐसे ये लग जाता। ये है मेरा एलोवेरा, एलोवेरा को भी अभी आप साइड से जो पप्स निकलते हैं उनको डिवाइड करके अभी आप लगा सकते हो। ये देखो मैंने लगाई हुई है, ये क्रोटोन की कटिंग लगाई हुई है, क्रोटोन की भी अभी अच्छे से चल जाती है। और ये मैंने जो छोटे छोटे फूल आते हैं इसमें गुड़हल के, ये भी मैंने अभी कटिंग लगाई है, ये भी बहुत अच्छे से चल रही है। ये देखो इसमें छोटी छोटी बर्ड्स भी आने लगी कटिंग, ये लग चुकी है, ये भी गुड़हल की कटिंग लगाई हुई है मैंने। और ये सारी है जो, ये मैंने पाइकस की लगाई हुई है, इसकी भी कटिंग, इनमें जैसे पत्ती आती है तो उस टाइम पे मैं आपको दिखाऊंगी। और ये है मेरी मनी प्लांट, इसकी भी कटिंग छोटी से छोटी कटिंग है, एक एक पत्ती से भी लग जाती है, तो ये भी मैंने कटिंग से ही तैयार किया है। और ये है इंग्लिश आईवी, इंग्लिश आईवी की भी ये वाली कटिंग है, ये कटिंग से लगाया है मैंने, तो ये कटिंग से बहुत अच्छे से चल जाता है। ये हैंगिंग प्लांट है इसलिए,
और ये है जी कड़ी पत्ता का पौधा, इसको भी आप अगर अभी कटिंग से लगाओगे तो बहुत अच्छे से चलता है। ये है जी मेरा पर्पल हार्ट, पर्पल हार्ट को भी अभी अगर आप कटिंग से लगाते हो तो बहुत अच्छे से चल जाता है। इसको तो साल में कभी लगाओगे ना तभी चल जाता है ये, तो अभी इसको लगा सकते हो, ऐड कर सकते हो इसमें कटिंग में। और भी है मेरा डायंथस का पौधा, इसको भी अगर आप छोटी से छोटी कटिंग लगाओगे तो डायंथस की भी अभी कटिंग लग जाती है। और ये है जी मेरा जरबेरा का प्लांट, दो प्लांट है मेरे पास जरबेरा के, इसको भी अगर आप साइड से निकाल के और डिवाइड करके लगाओगे तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। और ये है मेरा कैलेंडुला का, कैलेंडुला को भी ऐसे ही कटिंग से लगा सकते हो आप, कटिंग से लगाओगे बहुत अच्छे से चल जाता है। और ये है वंडरिंग जू, वंडरिंग जू भी बहुत छोटी से छोटी कटिंग लगाओगे तो अभी बहुत अच्छे से चल जाता है। ये जी अजवाइन का पौधा, अजवाइन का पौधा भी कटिंग से बहुत अच्छे से चलता है, तो अभी आप कटिंग से लगा सकते हो इसको। ये है मेरा टिकोमा का, जो पिंक कलर के फ्लावर आते हैं इसमें पिंक और वाइट, तो इसको भी अगर आप कटिंग से लगाओगे बहुत अच्छे से चलता है अभी। ये है जी पिटोनिया का, पिटोनिया का पिटोनिया भी कटिंग से बहुत अच्छे से लग जाता है। ये देखो मेरे पास दो कलर हैं इसके, ये दोनों प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, अगर आप छोटी सी कटिंग भी इसकी लगाओगे बहुत अच्छे से लग जाती है। ये जी डहेलिया का प्लांट है, तो डहेलिया को भी अगर आप ऐसे साइड से छोटी सी कटिंग लेके लगाओगे तो डहेलिया भी बहुत अच्छे से कवर हो जाता है, बहुत अच्छे से प्लांट है इसकी कटिंग लग जाती है। और ऐसे ही जी मेरा है बिगोनिया का प्लांट, बिगोनिया भी छोटी से बिल्कुल छोटी सी अगर आप यहाँ से ऐसे छोटी सी कटिंग लोगे और वो भी लगा दोगे ना तो वो भी चल जाएगा। मैंने एक प्लांट खरीदा था, इससे तीन चार प्लांट बना लिए हैं, एक ही अभी इसी साल खरीदा था ये, तो इसी साल में मैंने तीन चार प्लांट इसके बना चुकी हूँ। और ये है मेरा ये है जी मेरा लाल टेना का प्लांट, लाल टेना की अगर आप छोटी से छोटी कटिंग लगा रहे हो तो वो भी लग जाती है, अगर आपको कहीं से मिल जाती है लाल टेना का पौधा दिख जाता है वहाँ से छोटी सी कटिंग ला के और आप लगाओगे ना तो वो भी बहुत अच्छे से चल जाती है। इसलिए ज़्यादा पैसे खर्च करने से अच्छा है कि हमारे को कटिंग से प्लांट तैयार करने चाहिए, इधर उधर से ले के और फिर प्लांट तैयार करने चाहिए। फिर जी मेरे पास ये है जो स्वीट पोटैटो वाइन, इसकी भी छोटी सी कटिंग कभी भी लगाओगे वो उसी टाइम पे ये चल जाती है। ये पर्पल वाली है तो ये भी अभी लगा सकते हो। और ये है मेरा डेफनवेकिया का प्लांट, डेफनवेकिया को भी अगर आप यहाँ से कट करके अभी लगाओगे तो बहुत अच्छे से लग जाता है ये, वो जल्दी इसमें रूट्स भी आ जाती हैं। और ये ऐसे साइड से देखो, ये साइड से पप्स भी निकलते हैं, तो ऐसे इनको तोड़ के भी अगर आप लगाओगे तो भी ये लग जाएगा। और ये देखो फ्रेंड्स, मैंने इसको ऊपर से कट कर दिया, ये है मेरा रजनीगंधा का प्लांट और इसमें भी बहुत सारा पूरा गमला इसका भर गया था, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो इसको भी आप डिवाइड करके अभी लगा सकते हो, बहुत अच्छे से चल जाता है ये। तो फ्रेंड्स, आप कटिंग से ज़्यादा प्लांट लगा सकते हो और कहीं से भी आपको छोटी से छोटी कटिंग मिल जाती है तो वहाँ से कटिंग ला के और आप लगा सकते हो और प्लांट बना सकते हो। ज़रूरी नहीं होता हमारे को ख़रीद के ही प्लांट हम बनाए, तो वैसे कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो बस इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माई वीडियो।